उत्तर प्रदेश के झांसी के टहरोली थाना क्षेत्र के कुकर गांव में आज बालू से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगने पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए ट्रक में फंसे चालक को बाहर निकाला, लेकिन चालक गंभीर रूप से झुलस चुका था। डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोठ भेज दिया गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ट्रक आग में जलकर नष्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव में दो दिन पहले मातमपुर के रोहित गांधी को लेकर विवाद हो गया। हालांकि पुलिस ने समझौता करा दिया था, लेकिन आज कुछ लोगों ने एक मोबाइल दुकान में घुसकर दुकानदार पर कुल्हाड़ी लाठियों और रॉड से हमला किया। दुकान का शीशा तोड़ दिया और सामान भी तहस नहस कर दिया। दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया और चिरगांव स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। व्यापारी आक्रोशित है और न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम नरेश गुप्ता है। नरेश गुप्ता, नरेश जी आप बताओ क्या घटना है? घटना परसों 3 दिन पहले की है जी। 3 दिन पहले ये लोगों ने गाड़ी हमारी दुकान के सामने लगा दी जी, जिस पर हमारे पिताजी ने कहा उस पर इन्होंने पिताजी को मारा, जिस पर पिताजी के मारने पर आपसी विवाद हुआ था। दोनों पार्टियों को थाने लाया गया जी। एसओ साहब के बीच में बातचीत हुई तो दोनों पार्टियों में लिखित समझौता हुआ, जो थाने में इस समय आप लेके गए चिरगांव थाने में, जो लिखित समझौता हुआ था। लिखित समझौता होने के बाद दोनों पार्टियों को छोड़ दिया गया। इसके बाद आज ये अकेला दुकान पर मोबाइल सुधार रहा था, अचानक एक 30-40 की संख्या में लड़के आए, सब्बल वगैरह लिए थे, कुल्हाड़ी लिए थे, जो भी हथियार लिए थे ये, और डंडा वगैरह लिए थे। मैं था नहीं हुआ, मैं पीछे की दुकान पर। आप कौन है जो घायल है? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आपके भाई हैं घायल? मेरा ये छोटा भाई है, मैं पीछे की दुकान पर था। ठीक, मेरी दो दुकान है। तो जैसे ये आए, इनने आके सीधा बार किया और जो कुछ भी था वो सब लेगा जी, पैसा वैसा निकाल के ले गएंगे। और वहाँ पर पूरा काउंटर माउंटर तोड़ गए हैं, हमारी स्पीकर वगैरह सब जो कुछ भी है सब कुछ तार के उतरे, एफेक्ट वगैरह भी मारे। अच्छा जी, तो ये बताओ ये लोग कौन है, आप जानते हैं इनको? ये लोग हैंगे उसके अखबारा के। अच्छा, तो इनसे पहले से विवाद था? जैन प्रधान है, उनके परिवार से रिलेटिव हैं, और भी इन लोगों के नाम वगैरह हैं जो FIR में लिखे हैं। आप लोग अभी थाने गए थे? जी हाँ, अभी गए। क्या हुआ? अभी थाने में लिखा पढ़ी करा के उन्होंने लिखवा लिया है, और लिखाने के बाद हमें रेफर यहाँ कर भेज दिया। अब यहाँ पे हम जाते ले जा रहे हैं, मरीज बहुत सीरियस। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या जी, हम तो ये चाहते कि जैसे हमारे साथ हुआ ऐसा ही उनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चलने लगे। बीच बचाव के प्रयास में एक महिला घायल हो गई। घटना नगर क्षेत्र के डिग्री कॉलेज चौराहे के पास की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रायबरेली में एक दबंग ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी का खुला प्रदर्शन सामने आया है। ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर भूमि विवाद से उपजी इस घटना में गंभीर पिटाई शामिल है और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आक्रामक ग्राम प्रधान की पहचान डलमौ थाना क्षेत्र के अलहौरा गाँव के उमानाथ साहू के रूप में की गई है। वायरल वीडियो में हिंसक झड़प दिख रही है। शाहजहांपुर में एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 40 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शनिवार देर रात खुतार गोला रोड पर हुई। यात्रियों को पूर्णागिरी ले जा रही एक वोल्वो बस सड़क किनारे एक भोजनालय के बाहर खड़ी थी, तभी पीछे से बजरी से भरे डंपर ने उसमें टक्कर मार दी जिससे बस पलट गई। आसपास के लोगों और पुलिस द्वारा क्रेन की मदद से बचाव के प्रयास किए गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से कई की हालत गंभीर होने पर उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पूरा के SP अशोक कुमार मीना ने दुर्घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि बस सीतापुर की थी और मृतक और घायल भी सीतापुर के थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रेलवे गोरखपुर बलिया से पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार ने GRP थाने का निरीक्षण किया। 2024 के आम चुनाव और प्रधानमंत्री की रैली की तैयारी को लेकर GRP और RPF के संयुक्त तलाशी अभियान के तहत देवरिया रेलवे स्टेशन पर सघन जांच की गई। निरीक्षण में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं के लिए प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, यात्री हॉल, सर्कुलेटिंग क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र शामिल थे। अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी ट्रेनों और यात्रियों के लिए कड़ी सुरक्षा निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को मऊ के रतनपुरा में 3 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सभा की शुरुआत में ही विपक्ष पर हमला बोला और पूर्वांचल की दुर्दशा के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले पूर्वांचल में माफिया पैदा होते थे, उनको सपा और कांग्रेस के लोग संरक्षण देते थे, लेकिन अब पिछले 10 सालों से यही पूर्वांचल देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुन रहा है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि आने वाले 1 जून को एनडीए और भाजपा प्रत्याशी को अपना वोट देकर देश का पीएम चुनने में सहयोग दें। सलेमपुर लोकसभा सीट के बेलथा रोड स्थित जीएमएएम इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि पश्चिम में से हवा चली थी। 7वें चरण में इंडिया गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो 400 का नारा दे रहे थे वह 400 से हार कर जाएंगे। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इस गुस्से का सामना भाजपा नहीं कर पाएगी। झूठे वादे करने वाले 6वें चरण में 400 से हार रहे हैं, 140 सीटें जीतने जा रहे हैं। देश की जनता 140 पर इन्हें समेट देगी। और कहा कि किसानों से झूठ बोलकर सत्ता हथियाने वाले भाजपा किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य भी नहीं दिलवा सकती। सनबीम वरुणा में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित शिक्षा सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे। उन्होंने कहा कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम समावेशी हो जाते हैं। दुनिया की पुरानी संस्कृति में काशी की संस्कृति शामिल है। नरेंद्र मोदी ने देश को 5 किलो अनाज पर ही निर्भर कर दिया है। उक्त बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने व्यक्त किया। वे आज रविवार को लहुराबिर स्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है उसे पूरा किया जाएगा। आरोप लगाया कि मोदी सरकार में आम आदमी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। काशी में मोदी जब भी आते हैं तमाम तरह के वायदे करके जाते हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, पूरे कितने हुए?